हेलो स्टूडेंट्स तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू एंड दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द सेक्शन फार्मूला सपोज करो आपको एक पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन और दूसरा एक पॉइंट दिया है उन्होंने बी एक्स टू वाई टू ओके और अभी ऐसे कार्टिसन प्लेन हो गया आपका और हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला तो यहां पर मान लो कोई एक पॉइंट और है P से डी एक्स वाई जो कि ए बी को लाइन सेगमेंट ए बी को एम वन इज टू एम टू के रेशियो में डिवाइड करता है मतलब आपको मालूम है कि पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट हमें निकालना है तो जरा ध्यान तो देखिए ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर एफ सी सा देखिए एक्स वन ए पॉइंट के लिए वाई के लिए कितना था एक्स टू ऑर्डिनेट भी चेक करते हैं यहाँ पर कितना है ए के लिए वाई वन आप बी पॉइंट के लिए कितना है Y2 टू अब यहाँ मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं इस वैल्यू को पता करना चाहूँगा ये क्या है आपका x डिस्टेंस और यहाँ पर ये कितनी है ये y डिस्टेंस अब आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है ये मान लो इसका मैं पॉइंट देता हूँ ए बी सी हो गया ना यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ तो मुझे बताइए कि ये, ये डिस्टेंस कितना है तो आप देखेंगे ये है आपका x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन और यदि मैं यहाँ भी देख लूँ तो, तो ये नाम देता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना है ये है x2 टू माइनस एक्स आइए अब यहाँ पर देखते हैं तो पी की वैल्यू कितनी है ये पी सी ये होगा आपका y माइनस वाई वन और सिमिलरली जो बी की वैल्यू है वो y2 टू माइनस वाई बी यहाँ पर थोड़ा तो स्केल से नहीं है ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा आपको सेम है y2 टू माइनस वाई अब ये जो दो ट्रेंगल है यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा ये वाला ट्रैंगल और ये वाला ट्रैंगल कुछ आपको दिखाई दे रहा है पहली बात तो ये एंगल इक्वल टू तो ये एंगल यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों हैं के है खींची है मैंने दोनों लाइन ये वाइस के पैरल है और दूसरा ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री तो फ्रॉम फिगर आप देख सकते ट्रैंगल ए सी पी शिमला टू ट्रैंगल पी ई बी ठीक है और देअर फोर कैसे बाई ए ए देर फोर आप देखें यहां पर ए सी ए सी पी है ये और इधर पी ई e, बी देयर फोर ए पी अपॉन देखो ध्यान से ए पी ए पी अपॉन इधर क्या आएगा आपका पी बी इक्वल टू इधर देखिए ए सी अपॉन साइड सेम रेशो में होती हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं उनको पी और इक्वल टू फिर क्या करेंगे PC ये वाली डिस्टेंस ये वाली साइड थर्ड वाली देखो ये वाली डिस्टेंस PC अपॉन इधर क्या आएगा ये बी हो जाएगा सी पी अपॉन ई भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको हाँ भी सेम सीक्वेंस में लिख दिया बाकी फ़र्क कुछ नहीं है दोनों का मीनिंग सेम है इम्प्लाइज वैल्यू रखो अब ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू तो ये रही एम वन अपॉन एम एम वन अपॉन एम टू और ए सी की वैल्यू ये रही यहाँ देखिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन और पी की वैल्यू उधर देखें एक्स टू माइनस एक्स और यहाँ पर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई दिस अपॉन दिस तो आइए एक एक को लेकर छोड़ करते हैं एक बार इसको छोड़ कर लेंगे एक बार इसको छोड़ कर लेंगे यहाँ पे हमें करना क्या है एम क्या हमारा एक्शन एंड वाई की वैल्यू निकालनी यानी पी के कोऑर्डिनेट निकाल तो पहले चलते हैं हम लोग एम वन बाई एम टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स अब फिर लिखेंगे एम वन बाई एम टू इक्वल टू किसके साथ लेंगे ऐसे देना पड़ेगा ऐसे एक बार ये और एक बार ये तो वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई अभी चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एम एक्स टू एम टू ये आएगा आपका एम टू एक्स एम टू एक्स माइनस फिर एम टू एक्स वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एम वन एक्स वन तो X वालों को एक तरफ ले लेता हूं मैं तो यहां पर देखिए कुछ गलत किया है हमने X2 टू माइनस एक्स को मैंने क्या लिखा है एक्स टू माइनस एक्स को मैंने एक्स वन माइनस एक्स लिख दिया था आइए फिर से लिखते हैं इसको एम वन एक्स टू एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स इक्वल टू फिर क्या लेंगे इसको एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन अब एक्स वालों को मैं साथ साथ दे रहा हूँ तो इसको मैं राइट ले जाता हूँ तो ये एम वन एक्स हो जाएगा और यह पहले से एम टू एक्स है तो जो भी एक्स वाले हमारे टर्म्स से एक साथ हो गए और इधर देखिए ये क्या आएगा एम वन एक्स टू प्लस क्या था इधर एम टू एक्स वन तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए एम वन प्लस एम टू क्योंकि एक्स कॉमन हो जाएगा और इधर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू देखिए वैल्यू ऑफ एक्स हो गई है और अभी सिमिलरली मैं यहाँ चेक कर देता हूँ तो ये एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई इक्वल टू एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन बिल्कुल सेम एक्स की जगह वाई चेंज करना और कुछ भी नहीं है इम्प्लाईज क्या बन रहा है अब देखिए यहाँ पर वाई वाले कोऑर्डिनेट को पकड़ता हूँ मैं तो एम वन वाई टू एम वन वाई तो एम वन एक्स टू था यहाँ पर एम वन वाई टू था यहाँ एम वन एक्स टू के साथ में एम वन वाई टू के साथ में तो सेम चीज़ों को देखते हुए चले मैं चाहता हूँ प्लस और यहाँ क्या आएगा एम वन वाई वन ध्यान से देखिए एम टू वाई वन एम टू वाई वन क्यों क्योंकि राइट से हमारा लेफ़्ट इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा इधर देखिए एम वन वाई राइट ले जाएंगे तो पॉजिटिव होने वाला है एम वन वाई और प्लस एम टू वाई तो उधर ऑलरेडी पॉजिटिव रखा ही है यहाँ पर आप वाई कॉमन लेंगे तो एम वन प्लस देखिए आपकी वाई की वैल्यू निकलेगी ये ये वाली this upon this part. कितना अपॉन आपकी y की वैल्यू आ गई तो नोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन रेशियो एम वन टू एम टू और ध्यान रहे हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं कहता कहते हैं इंटरनल डिवीजन का मतलब है जो पी पॉइंट है ये ए बी के इन बिटवीन इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं भी लाई करता है एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है ये पी पॉइंट ए बी को एक्सटेंड करने पर आ राइट साइड और लेफ्ट साइड लाई करता है एनी anyway, अभी यहाँ तक ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और पूछना बताना चाहता हूँ आपको कि यदि ये मिड पॉइंट होता ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तो उस केस में क्या होता उस केस में ये दोनों जो पार्ट हैं ये इक्वल हो जाते मिड पॉइंट है तो तो M1 और M2 की जगह दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं इफ द मिड पॉइंट तो लेट M1 वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन एम वन इक्वल टू कितना हो जाएगा एम टू इसको मैं एम मान लेता हूं तो देन एक्स की वैल्यू क्या होगी आप बताएं एक्स की वैल्यू होगी यहाँ देखिए एम एक्स टू एम एक्स टू एम एक्स वन अपॉन एम प्लस एम यानी कितनी हो गई एम कॉमन लें एक्स वन प्लस एक्स टू और नीचे ट्वाइस ऑफ एम एम को कैंसिल कर दो यानी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पर देखिए एम वन की जगह भी हम एक्स लिख देते एम लिख देते हैं एम वाई टू हो जाएगा ये और एम टू की जगह भी एम लिख दो एम वाई वन हो जाएगा इधर एम प्लस एम कितना हुआ आपका ये आपका टू एम हो जाएगा यानी एम कॉमन लूँ तो वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू एम एम कैंसल कर दो तो वाई वन प्लस वाई टू बाई टू तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत आसान हो जाते हैं यदि आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है ए बी का तो दोनों के आपसी को ऐड कीजिए डिवाइड बाई टू कर दीजिए और यदि ऑर्डिनेट निकालें दोनों के ऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दीजिए आपका ऑर्डिनेट बन जाएगा तो इस तरह से आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं तो ये था आपका कॉन्सेप्ट अबाउट द एक्सरसाइज और नाउ वी विल स्टार्ट दसरसाइज सेवन पॉइंट टू तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू सिर्फ आपको ये एक ही फार्मूला माइंड में रखना है और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि कई बार क्या होता है आपको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया होता है जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया होता है और बोलता है बताइए रेशो क्या है तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ सारे को ये आपका ए पॉइंट एक्स वन वाई वन और ये आपका बी पॉइंट मानो एक्स टू वाई टू हमने क्या किया अब तक पी पॉइंट एक्स वाई की कोऑर्डिनेट निकालने बताए एक्स कोमा वाई यदि एम वन एम टू है तो कैसे निकालते थे याद करो इंटरनल डिवीजन में एक्स की वैल्यू आती थी एम वन एक्स टू अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला मिटाया ये वही है एम वन जो हम हम प्रूव करके आ रहे हैं प्लस क्या था देखो याद करो एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू आपका एक्स की वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे आएगी एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस ये तो आपका P पॉइंट था और यदि यह मिड पॉइंट होता तो यह पॉइंट आपका A था X1 Y1 X2 Y2 आपका मिड पॉइंट ये आपका B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ और यदि हम मिड पॉइंट निकालते तो तो दोनों रेशो सेम हुए तो क्या वैल्यू आई थी याद करो सपोर्ज ये कॉर्डिनेट एक्सम वाई है तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी एक्स वन प्लस एक्स टू डिड बाई टू एंड वाई की वैल्यू सिंपली आ गई थी वाई वन प्लस वाई टू एंड दोनों पे कोर्डिनेट को सम कीजिएगा डिवाइड बाई टू कर दीजिएगा अब मैं तीसरी चीज़ आपको जो बताना चाह चाहता हूँ ये था कि कई बार आपको क्या दिया होगा ये पॉइंट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम होंगे एक्स वन वाई वन ये भी आपको दिया होगा एक्स टू बाई टू और यहाँ पर आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे एक्स वन वाई ये भी आपके नून होंगे ये भी नून होगा ये भी आपसे पूछेगा रेशियो बताओ क्या है तो लेट रेशियो भी आप पैसे लेना हमेशा के एज टू वन के एज टू वन अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी के को वैल्यू निकाल देंगे हम के की वैल्यू कैसे निकालेंगे याद करो क्या हो जाए के इन टू एक्स टू प्लस वन इन टू एक्स वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन अब इस शोर्ट करेंगे क्योंकि हमें मालूम है एक्स वन एक्स टू की वैल्यू हमें मालूम है ये एक्स की वैल्यू निकालनी थी एक्स की वैल्यू मालूम है एक्स वन की वैल्यू मालूम है एक्स टू की वैल्यू मालूम है तो चार बच गया आपका के तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू आएगी मानो के की वैल्यू आ गई आपकी टू बाई सेवन तो इसका मतलब रेशो क्या हुआ टू इज टू सेवन मान लो के की वैल्यू आ गई फाइव बाई टू तो रेशो क्या हो जाएगा ये होगा फाइव इज टू टू मान लो के वैल्यू आपकी सिंपली टू आ गई तो हमने क्या माना था देखो रेशो के इज टू वन तो रेशो आ जाएगा आपका टू टू वन तो मैंने वो तीन पॉइंट याद रखने के लिए बताए तीनों को आप ध्यान में रखेंगे और मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन 7.2 आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का यहां पर आपको दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द join of minus one comma seven and uh, दूसरा क्या दिया है भाई four comma minus three in the ratio m is to n का रेशो दिया हुआ है m one m two हम लेके चल रहे हैं तो कितना था आपका ये था टू इज टू थ्री ये एक्स वन है ये वाई वन है ये एक्स टू है ये वाई टू तो लेट पॉइंट बी एक्स कोमा वाई तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे याद करो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन फार्मूला हमने ड्राइव किया था अपॉन एम वन प्लस एम टू कितनी वैल्यू आई ज़रा देखिए एम वन की वैल्यू टू एक्स टू की वैल्यू फोर प्लस एम टू की वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो बेटर रहेगा एम टू की वैल्यू थ्री और एक्स वन की वैल्यू इधर वाला इधर के साथ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई यही आपकी माइनस वन डिवाइडेड बाई और ये बनता है आपका एम वन प्लस एम टू टू प्लस थ्री तो ये होगा देखिए आपका एट माइनस और इधर कितना आया थ्री और इधर नीचे फाइव तो ये बनता है आपका फाइव अपॉन्ट फाइव सिंपल ही आ गया तो वन एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिली और वाई की जब चेक करेंगे तो ये कितना होगा एम वाई टू प्लस एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू चलो वैल्यू रखो वाई की वैल्यू देखते हैं तो वाई की वैल्यू आ गई एम वन को इधर लेके जाएंगे एम टू को इधर लेके जाएंगे, ले जाएंगे तो एम वन के साथ में कितना आएगा टू के साथ में तो माइनस थ्री आएगा प्लस और थ्री के साथ में एम टू के लिए सेवन आएगा डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू टू प्लस थ्री तो ये माइनस सिक्स प्लस ये होगा आपका फोर्टीन और ट्वेंटी वन सेवन थ्री जाए और नीचे आपका आएगा फाइव तो आप देखेंगे ये आएगा आपका फिफ्टीन अपॉन फाइव बोले तो थ्री तो पी पॉइंट जो आपका कितना था एक्स वे कितना मिल गया ये होगा आपका एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू थ्री तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन इसमें आपको पॉइंट बताना था जो इसको टू टू थ्री के रेशो में डिवाइड करता है सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द द पॉइंट ऑफ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग फोर एंड फोर माइनस वन एंड माइनस टू माइनस थ्री तो इस बार हमें ट्राइसेक्ट करना है तो देखिएगा यहां पर हमें दिए गए हैं दो पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है फोर कोमा माइनस वन और बी की वैल्यू कितनी दी है माइनस टू कोमा माइनस थ्री इनको ट्राइसठ का मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है मानो पॉइंट पी एंड क्यू है इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कहूँगा को और इसको भी मुझे एक्स डैस कोमा वाई कहना पड़ेगा आइए ये जो इक्वल पार्ट में हैं तो मानो ये डिस्टेंस कितनी है इस डिस्टेंस को कुछ भी नाम दे दो मान लो ये डिस्टेंस आपकी एक्स है तो ये डिस्टेंस भी एक्स है सेट इक्वल पार्ट होने चाहिए ये भी आपकी है। तो मैं पूछता हूं यहां तो देखिए पीए अपॉन पीबी क्या होगा ऊपर देता हूं पी ए पी बी क्या होगा जरा देखो पी ए की वैल्यू तो है एक्स और पीबी की वैल्यू है टू एक्स एक्स प्लस एक्स तो रेशो हुआ आपका वन इज तो टू अब क्यू के साथ लूंगा तो, तो क्यूए अपॉन क्यू बी क्या होगा जब क्यू से लेंगे तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स इधर आपका ओनली एक्स तो ये वैल्यू हो गया आपकी कितनी ये एक्स है ना तो एक्स को कट के क्या आएगा एक्स एक्स कट जाएगा तो टू इज टू वन तो यानी जो पी पॉइंट है ये वन इज टू टू के रेशो में डिवाइड कर रहा है और जो क्यू है ये इसी ए वी लाइन सेगमेंट को टू इज टू वन के रेशो में डिवाइड कर रहा है तो टू तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी तो एम वन इज टू एम टू की वैल्यू जो है वो वन इज टू टू है तो so, एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी ये होगी एम वन एक्स टू यानी वन इं टू एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस टू एम टू एक्स वन यानी टू इन फोर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू यानी वन प्लस टू कितना बनाया जाए है देख लो माइनस के टू आया प्लस का एट आया डिवाइड बाई थ्री आया ये हुआ आपका सिक्स और सिक्स बाई थ्री तो वैल्यू आई है आपकी टू और वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो ये होगी आपके वन इन टू तो और वाई टू तो की वैल्यू कि कितनी है माइनस थ्री फिर टू इन टू ये वैल्यू है माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू तो वैल्यू होती है माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री तो मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए देखो टू कोमा माइनस के फाइव बाई थ्री ये P पॉइंट मिल गया अब Q पॉइंट के लिए देखते हैं एक्सडैस वाई डैस टू फाइंड कोर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या था हम दिया था एक्सडेस वाई डैस ये ऊपर छोटा सा हम डैश लगा देते हैं इसे एक्सडेस वाई डैस बोलेंगे तो रेशो क्या होगा एम वन इज टू एम टू की वैल्यू कितनी वाली है इस बार कितनी आने वाली है q के लिए टू इज टू वन और देखो एक्स डैस की वैल्यू कितनी होगी ये होगी टू इन टू टू इन टू एक्स वन की रहा। ये आपका एक्स वन है वाई वन है ये एक्स टू है ये, ये वाई टू तो टू पहले बार यहाँ पे टू आ जाएगा क्योंकि इसके लिए ले रहे हैं तो टू इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू क्योंकि यहाँ पे रेशो टू इंटू टू इज टू बन है तो वन इंटू फोर डिवाइडेड बाई पहले कितना आता था वन प्लस टू अभी टू प्लस बन है इतना ही फर्क आया एम वन एम टू की वैल्यू चेंज हो गई तो वैल्यू होगी माइनस का फोर और फिर प्लस का फोर डिवाइडेड बाई थ्री जीरो बाई थ्री डैट इक्वल टू जीरो और अभी आप देखिए वाई डेस की वैल्यू और वाई डेस की वैल्यू आएगी टू इंटू उधर कितना जाएगा माइनस थ्री प्लस वन इंटू इधर कितना आएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन कितना बनता है ये बनता है माइनस सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री यानी कि माइनस के सेवन बाई थ्री देयरफॉर फॉर क्योंकि कोऑर्डिनेट मिला जीरो माइनस सेवन बाई थ्री सो जो पॉइंट हैं इनको टाइशर्ट करते हैं वे क्या मिले टू कोमा माइनस फाइव बाई थ्री एंड जीरो कोमा माइनस सेवन बाई थ्री तो ये आपका आंसर होगा फोर क्वेश्चन नंबर टू टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर थ्री चल रहा है देखिए लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच हंड्रेड फ्लावर पॉट हैज बी प्लेस्ड द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर लॉन्ग ए डी एज शोन इन फिगर ओके एंड निहारिका रन वन फोर्थ द डिस्टेंस ए डी ओके ऑन सेकेंड लाइन ओके यानी कि एक्स पे आपको लाइन दी है और वाई पे आपको डिस्टेंस इन मीटर में दिया हुआ है एंड uh, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग प्रीत रन वन डिस्टेंस तो एडी ऑन एट्थ लाइन ठीक है फिगर में भी ये दिया हुआ है फिगर देखते रहे एंड uh, यहां पर उसने पोस्ट किया है रेड फ्लैग ओके okay. इफ uh, रश्मि ए ब्लू तो फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग वेयर सुड शी पोस्ट हर फ्लैग ठीक है देखते हैं फिगर आपके सामने है और मैं आपको यहां बता दू की जो निहारिका का है वो सेकंड लाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे बट वी आर नॉट ड्राइंग द फिगर बाई टू स्केल सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो वो कहीं सेकंड लाइन यहाँ आ जाएगी और वन फोर्थ यानी कि यदि मैं यहीं तक का डी ले लूँ तो इसकी वन फोर्थ हाफ और ये वन फोर्थ तो यहाँ कहीं सेकंड लाइन पर आ जाएगी निहारिका के लिए और यहाँ पे कौन सा ग्रह है ये ग्रीन फ्लैग तो मैं जी लिख देता हूँ जी फॉर ग्रीन और ये सेकेंड लाइन है टू कॉमा लाइन के लिए मैंने टू यूज किया सेकेंड लाइन के लिए और वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड मीटर कितना हो जाएगा वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड यहाँ तक का हंड्रेड है ना तो वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड बोले तो ट्वेंटी फाइव और फिर इसके बाद दूसरा जो है फ्लैग वो है आपका रेड कलर का जो प्रीत ने रखा है और ये है वन फिफ डिस्टेंस पे हंड्रेड का वन फीट बोले तो ट्वेंटी और यह है आपका कहीं यहां होना चाहिए एट्थ लाइन का मतलब यहां कहीं होना चाहिए तो इसे मैं लिखूँ एट्स लाइन पे ट्वेंटी वाई की वैल्यू और यहां है रेड फ्लैग अब जो रश्मि है यहाँ दिया है उन्होंने देखिए जो यहाँ पर ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है और जो कि मिड में होना चाहिए इन दोनों के मिड में तो ये सेकंड पे है और अभी मुझे दोनों चीज़ें निकालनी है तो मान लो उसका कोऑर्डिनेट में निकालूं तो एक्शन वाई है और आप देख सकते कि जो मिड पॉइंट है इनका मतलब है कि इसमें एम पॉइंट कहूँ तो और बेटर रहेगा मैंने आपको सिखाया है एम से तो लेट एक्स वाई बी दिड पॉइंट देन एक्स की वैल्यू क्या आएगी टू प्लस एट हमला याद लिख देता हूं मैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ये आपका एक्स वन वाई वन ध्यान रहे यहाँ पर लाइंस हैं और यहाँ पर डिस्टेंस इन मीटर है तो चलिए देखते हैं तो ये टू प्लस एट एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू यानी कि टेन बाई टू इक्वल टू फाइव और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई टू इक्वल टू फोर्टी फाइव बाई टू 22.5. तो जो कोऑर्डिनेट हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे ये तो होंगे कितना उन्होंने पूछा यहाँ पर देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग पहले तो डिस्टेंस पूछी उन्होंने जी ग्रीन और रेड और यहाँ पे मुझे ब्लू डालना है ओके जो ग्रीन है और जो रेड है इन दोनों फ्लैप के बीच की डिस्टेंस तो मानो वो डिस्टेंस डी है तो डी कैसे निकालेगी डी निकलेगा आपका एट माइनस टू का स्क्वायर और फिर ट्वेंटी माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर इधर तो मिलेगा आपको सिक्स इधर मिलेगा आपको फाइव और सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव और ये होगा आपका सिक्सटी वन का रूट मीटर में डिस्टेंस लिखेंगे और ए, पोजीशन यदि आप बताएं ऑफ ब्लू फ्लैग की विल बी ऑन फिफ्थ लाइन फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर ठीक है तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री और अभी क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे फाइन द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट माइनस थ्री टेन एंड सिक्स कोमा माइनस एट डिवाइडेड बाय माइनस वन सिक्स देखिए हम के एच टू वन वाला क्वेश्चन आया है ये इसमें आप रेशो मानेंगे के एच टू वन और के की वैल्यू यदि सीधी आ जाएगी फ्रैक्शन में ना आकर करके आपकी होल नंबर आ जाएगा तो वही वैल्यू हो जाएगी और यदि फ्रैक्शन में आएगी तो वो रेशो मिल गया हमें तो ये देखिए ए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर फोर में माइनस थ्री कॉमा टेन और जो बी दिया हुआ है ये सिक्स कॉमा माइनस एट डिवाइडेड बाय यहाँ पर पॉइंट पी दिया हुआ है माइनस वन कॉमा सिक्स तो लेट पी पॉइंट यानी माइनस वन कॉमा सिक्स डिवाइड ए बी इन रेशो केन देन माइनस वन इक्वल टू क्या होगा किसी भी एक से आंसर आ जाएगा चाहे तो आप एफ सी ट्राई कर लें या ऑर्डिनेट किसी एक से ही आ जाता है दूसरी तरफ तो वेरीफाई कर सकते हैं चाहे तो माइनस वन इक्वल टू क्या होगा तो ये के है ये वन है तो के इन टू और वन इधर आ जाएगा तो के इन टू अब हमने एफ सी से लिया तो एफ सी के लिए चेक करेंगे सिक्स प्लस वन इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय और ये के प्लस वन एम्प्लाइज क्या बनने वाला है माइनस वन इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन इम्प्लाइज यहाँ आपको मिलेगा देखो माइनस के सिक्स के प्लस सिक्स के माइनस थ्री सिक्स के माइनस थ्री इक्वल टू माइनस के माइनस वन यानी कि सेवन के इक्वल टू आगे ले जाता हूँ तो माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा इक्वल टू टू तो यहाँ पर के की वैल्यू आगे देखो टू बाई सेवन सेवन के इक्वल टू टू तो के की वैल्यू टू बाई सेवन और अभी मैं इसे भी चेक कर लूँ ऑल्सो सिक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे के इंटू माइनस एट अभी ऑर्डिनेट को चेक कर रहे हैं प्लस और सिक्स इक्वल टू के टू माइनस एट प्लस वन इन टू टेन डिवाइडेड बाई के प्लस वन तो ये होगा एट के प्लस टेन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू सिक्स यानी कि एट के प्लस टेन इक्वल टू सिक्स के प्लस सिक्स यानी टू के ये सिक्स के राइट लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू सिक्स माइनस टेन यानी कि कितना हुआ सिक्स सिक्स ही है ना माइनस वन कोमा सिक्स ठीक है तो ये होगा आपका सिक्स इक्वल टू के इन टू माइनस एट ये माइनस एट था इसमें मिस्टेक हुआ तो माइनस एट तो अभी देखिए कितना हो जाएगा ये माइनस के फोर्टीन हो जाएगा और इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका सिक्स माइनस टेन इक्वल टू माइनस के फोर हो जाएगा तो K की वैल्यू आएगी आपकी माइनस फोर बाई माइनस के फोर्टीन माइनस कैंसल टू बाई सेवन अब देखिए ये दोनों सेम आने चाहिए आपके तभी आपका आंसर सही होगा सो फ्रॉम वन एंड टू सो फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्या मिला के इक्वल टू टू बाई सेवन सो पी डिवाइड ए बी इन रेशियो देखो ये फ्रैक्शन मिल गया टू इज टू सेवन ये टू बाई सेवन है यदि ओनली टू होता हम करते, two two तो हम कहते टू इज टू वन तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री था ये क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं फोर था ये थ्री तो पहले हो चुका है हमने मिटा नहीं होता था नंबर अभी क्वेश्चन नंबर फाइव पे जाते हैं फाइनद रेशियो इन विद सेगमेंट ज्वाइनिंग वन कोमा माइनस फाइव एंड माइनस फोर कोमा फाइव डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न तो देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आप लोग ये जानते हो कि पॉइंट एक्स एक्सी के ऊपर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है आपको ए और बी पॉइंट दो आपको पॉइंट दिए गए हैं तो एक पॉइंट ये है बी पॉइंट माइनस फोर कॉमा फाइव इधर आपको ये पॉइंट दे देता हूँ ये वन कॉमा माइनस फाइव और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको एक्स-एक्सिस बोला उसने एक्सिस ऐसा कहीं है पॉइंट और ऐसे कहीं ऑर्डिनेट ये आपका एक्स वाई और यहाँ पर उसने बोला है कि एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर काटती है तो ये एक्स एक्स पे जहाँ भी पॉइंट काटेगा वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा तो लेट पॉइंट बी एक्स कोमा ज़ीरो इस फॉर्म में हम लोग पॉइंट को मान सकते हैं अब मानो जो रेशो है पी ए लेट पी एस टू तो पी बी का जो रेशो है वो के एस टू तो वन है तो आइए देखते हैं अब ए पॉइंट लिख लो वन कोमा माइनस फाइव और बी ए पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट हो गया माइनस फोर कोमा फाइव और रेशो क्या है एम वन और एम टू का रेशो जो है वो आपका के एस टू वन है अब चलिए शुरू करते हैं तो के टू इधर जाएगा और वन इधर जाएगा तो जो हमें नून है वो इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट नून है तो जीरो इक्वल टू हेयर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा के इन टू अब देखिए हम वाई कोऑर्डिनेट को लेकर चलते तो वाई से ही चेक करना है तो के इन टू फाइव प्लस और वन इन टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई के प्लस वन अब देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका जीरो इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन अब के प्लस वन को यहां जीरो से मल्टीपाई तो जीरो हो गया तो यह आएगा आपका फाइव के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इंप्लाइज फाइव के इक्वल टू फाइव इक्वल टू इंप्लाइज के इक्वल टू वन अब के इक्वल टू वन आया तो रेशियो क्या हो जाएगा देरफोर रेशियो हो जाएगा मैंने बताया के इज टू वन लिया था हमने तो ये आपका वन इज टू वन हो जाएगा अब उसने बोला कि कोऑर्डिनेट भी बताओ पी के तो देखो वाई कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम ही है एक्स निकालना बाकी है नाउ एक्स होगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू अब यहाँ पर देखिएगा एम वन और एम टू दोनों की वैल्यू वन है तो रखते चले जाओ तो एम वन है यानी वन इन टू तो और एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस फोर एम टू की वैल्यू वन और ये कितना है माइनस का प्लस का वनड बाई वन प्लस वन तो माइनस फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू तो कितना हुआ माइनस के थ्री और नीचे टू फॉर जो p पॉइंट है उसके कॉर्डिनेट होंगे क्या x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू और y की वैल्यू में जीरो है तो आपका आंसर आया एक आंसर था आपका रेशियो पूछा उसने वन इज टू वन और दूसरा उसने पूछा है कोऑर्डिनेट ये आपका माइनस के थ्री बाई टू कोमा जीरो आइए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं और सिक्स क्वेश्चन उसने दिया है इफ वन टू फोर वाई एक्स सिक्स एंड थ्री फाइव आई वट इज़ दैरोोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉपर्टी है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी कि जो पैलॉलोग्राम होता है उसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेकट करते हैं उसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अगर उसने ऑर्डर दे दिया है तो मैं बी फिगर होगा पेलोग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ तो यहाँ पर ए वन कोमा टू है बी जो है ये आपका फोर कोमा वाई है जो सी है ये एक्स कोमा सिक्स है और जो डी एच के कोऑर्डिनेट दे रखे उन्होंने थ्री कोमा फाइव तो जो इसका मिड पॉइंट है वही इसका मिड पॉइंट होगा तो ये वन टू वन में डिवाइड करेगा हमें मालूम है तो मानो इसका मिड पॉइंट जो है वो P है आज के कोऑर्डिनेट जो मैं दे देता हूँ वो एक बार इधर से निकालूंगा एक बार इधर से दोनों बार सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए तो एज द डायगोनल ऑफ ए पेलोग्राम बाइसेक्ट टीच अदर सो मिड पॉइंट कोडिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए या सी एंड बी डी मस्ट बी सेम यानी एफ सी से एफ सी तक इक्वल होगा तो कॉर्डिनेट ऑर्डिनेट के तभी हम कह सकते हैं कॉर्डिनेट इक्वल है एंड हम क्या इक्वेट करेंगे वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स बाई टू कोमा ठीक है कॉर्डिनेट निकालना ए सी से ए सी का मिड पॉइंट वन प्लस एक्स बाई टू और ये टू प्लस सिक्स बाई टू टू प्लस सिक्स बाई टू ये सेम होना चाहिए एज थ्री प्लस फोर बाई टू और फाइव प्लस वाई बाई टू आर सेम कोऑर्डिनेट दैट इज़ ऐसे लिखना बेटर रहेगा अब ये कब हो सकता है इक्वल जब वन प्लस एक्स बाई टू किसके बराबर होना चाहिए थ्री प्लस फोर बाई टू के और टू प्लस सिक्स बाई टू किसके होना चाहिए फाइव प्लस वाई बाई टू के टू को कैंसिल करो तो वन प्लस एक्स इक्वल टू सेवन यानी एक्स इक्वल टू सिक्स टू टू कैंसिल करो एंड टू प्लस सिक्स यानी कि एट इक्वल टू फाइव प्लस वाई यानी कि वाई इक्वल टू थ्री तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली एक्स इक्वल टू सिक्स एंड वाई इक्वल टू थ्री तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बशरते आपको ये प्रॉपर्टी मालूम हो तो क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हु सेंटर इज टू कोमा माइनस थ्री एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं वन कोमा फोर अब देखिए यहाँ भी आपको थोड़ी सी सर्कल की नॉलेज होनी चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है और किसी सर्कल की सबसे लंबे वाली कोड यानी लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल होता है तो यानी ये या आपका सर्कल है ये डायमीटर है ए बी ये सेंटर है अब सर्कल का आपको इन्होंने सेंटर दिया है फाइंड द क्वेश्चन नंबर क्या था आपका यहां पर आई थिंक एट सेवन ये सेवन है और यहां पर दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ए के कोऑर्डिनेट निकाल लें लेट इट इज एक्स वाई और ए बी ऑफ सर्कल सेंटर इज ये आपको सी दे दिया टू कोमा माइनस थ्री और बी दिया है वन कोमा फोर अब आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर तो एज ए सी इज सेंटर ऑफ सर्कल सो इट मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी देर फोर्ट मिड पॉइंट फॉर्म लगा दो एक्स प्लस वन बाई टू मस्ट बी इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इक्वल टू ये वैल्यू आनी चाहिए एंड वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू मस्ट इक्वल टू माइनस थ्री तो चेक कर लेते हैं भाई ये कितना होने वाला है एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू थ्री और यहाँ पे वाई प्लस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स तो वाई इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर यानी वाई इक्वल टू माइनस टेन तो ये आपकी कॉर्डिनेट आ गई थ्री कोमा माइनस टेन तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट माइनस ये आप आंसर लिख सकते हैं आइए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में देखो क्या दिया है यहाँ पर है इफ ए एंड बी आर माइनस टू कोमा माइनस टू एंड टू कोमा माइनस फोर रेस्पेक्टली फाइन दिनेट ऑफ पी दैट ए पी इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी ओके यानी इंटरनल डिवाइड कर रहा है और इंटरनल डिवाइड करते करते वो एक बात और भी बता रहे हैं कि जो ए पी और ए बी देखिए ए पी और ए बी दिया है इस बार यहाँ पर ये देखिए ये ए है ये पी है पी पी और ये बी है उन्होंने दिया है जो ए पी एस टू ए बी है ए पी एस टू ए बी थ्री बाई सेवन ये थ्री बाई सेवन है यानी उसमें दिया है ए पी इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी तो आप लिख सकते हैं देखिए ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन इसे मैं उल्टा करके लिख देता हूँ एम्प्लाइज ए बी अपॉन ए पीवल टू सेवन बाई थ्री अब क्या करेंगे अब जो ए बी है तो मैं लिख देता हूँ ए बी को ए पी प्लस टी बी ए पी प्लस पी बी अपॉन नीचे तो ए पी है इक्वल टू सेवन बाई थ्री यहाँ पर ए पी अपॉन ए पी तोड़ इसको प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू सेवन बाई थ्री ए पी ए पी कैंसिल हो जाएगा वन हो जाएगा और ये पी बी अपॉन ए पी जो है ये आपका थ्री सेवन सेवन बाई थ्री माइनस वन ये उधर चला जाएगा तो सेवन माइनस थ्री अपॉन थ्री फोर बाई थ्री यानी कि पी ए अपॉन पी बी ए पी अपॉन पी बी एपी पी दे देता हूँ अच्छा लगेगा आपको एपी अपॉन पी भी इक्वल टू थ्री बाई फोर यानी ये आपका कितना बचा फोर बचा देखिए डिस्टेंस नहीं है ये रेशियो है तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर तो ये थ्री टू फोर का तो रेशियो हो, हो गया और ए, ए और बी के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखे हैं माइनस टू कोमा माइनस और दूसरा दिया है टू कोमा और इसके कोऑर्डिनेट मैं एक्स कोमा मान लेता हूँ करेक्ट तो हेयर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर देखिए यहां पर जो एम वन इज टू एम टू की वैल्यू है वो आपका थ्री इज टू फोर है तो so m1 वन एक्स टू एम वन एक्स टू के साथ जाएगा m2 टू एक्स वन के साथ m1 वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू वैल्यू रखो ये आएगा आपका थ्री एक्स टू की वैल्यू कितनी जा रही है टू फिर आपका फोर के साथ क्या आ रहा है माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर ये सिक्स हो जाएगा ये माइनस का एट हो जाएगा अपॉन सेवन और ये वैल्यू आ रही है आपकी देखे माइनस के टू बाई सेवन अभी मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा सिमिलरली वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ले लेंगे रखो वैल्यू एम वन की वैल्यू थ्री वाई टू की वैल्यू माइनस फोर फिर इसके बाद ये वैल्यू आएगी फोर एम टू की और ये वैल्यू आएगी माइनस टू डिवाइडेड बाई और ये थ्री प्लस फोर आने वाला है ये माइनस के ट्वेल्व प्लस फिर से माइनस जाएगा माइनस का ही एट हो गया डिवाइडेड बाई सेवन तो ये तो भाई माइनस ट्वेंटी हो गया माइनस ट्वेंटी बाई सेवन तो देर फोर पी जो पॉइंट था ये होगा आपका एक्स की वैल्यू माइनस टू बाई सेवन और ये है माइनस के ट्वेंटी बाई सेवन तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैसे निकालना है आपको डायरेक्ट थ्री टू सेवन नहीं लेना है और अभी मैं नाइन्थ क्वेश्चन बता रहा हूं आपको फाइंड द द पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए माइनस टू टू एंड बी टू को एट इंटू फोर इक्वल पार्ट फोर इक्वल पार्ट देखिए जब हम कहते हैं किसी रस्सी को हम आपको हाथ में देकर बोलते हैं डबल कर दो तो आप क्या करते हैं उसको मिड दोनों एंड छोड़ देते हैं मिड पॉइंट से पकड़ लेते हैं डबल हो गई और फिर मेरे को आप वन फोर्थ कर दो यानी कि आप उसको डबल का डबल कर दो जो उसकी इफेक्टिव लेंथ वन फोर्थ हो जाए बिना काटे तो आप डबल का डबल करेंगे तो आप फिर उसके मिड पॉइंट से पकड़ लेंगे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे ए और बी दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ही आसान है उसको दोनों तरह से कर सकते हैं हम लोग जैसे मैंने अभी भी आपको बताया ऐसे भी कर सकते हैं इससे पहले जैसे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको एक तरफ वन इज टू टू रेश हो गया था फिर टू इज टू वन हो गया था और एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं देखो ये माइनस टू कोमा टू है और इधर जो दिया गया है ये टू को एट है अब ये फोर इक्वल पार्ट में तो सबसे पहले इसका मैं मिड पॉइंट निकाल दू एक पॉइंट मिल गया आपको पी मान लेता हूं अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो क्यू हो गया फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो देखिए फोर इक्वल पार्ट में हो एक नहीं वन टू थ्री फोर तो बाई एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका क्या हो देखिए जब आप Q के लिए निकालेंगे कोऑर्डिनेट एक्स वाई तो वन इज टू यहाँ से यहां तक कह दी वन पार्ट यहां तक कितने हैं थ्री लेना जब पी के लिए निकालेंगे तो टू इज टू टू यानी कि वन इज टू वन भी कह सकते हैं उसको टू टू कट जाता है मिड पॉइंट हो जाएगा और जब आर के लिए लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री टाइम ऑफ दिस वन तो वन इज टू थ्री वन इज टू थ्री टू इज टू टू थ्री इज टू वन से भी निकाल सकते या फिर अच्छा तरीका है आप पहले मिड पॉइंट निकाल लीजिए ए बी का तो ये कॉर्डिनेट आपको मिल जाएगा सेट इज एक्स वाई तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला चलिए एक्स की वैल्यू क्या आई बताइए अब यार अब एक्स की जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू एक्स वन ये रहा वाई वन ये रहा एक्स टू ये रहा वाई टू ये रहा तो क्या होगा डिवाइड बाई टू दैट इज जीरो बाई टू दैट इज इक्कल टू जीरो एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी वाई की वैल्यू आने वाली है आपकी टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू टेन डिवाइड बाई टू तो ये हो गया आपका कितना टू प्लस एट टेन आने वाला है तो टेन लिख ही दिया टेन बाई टू कितना बना आपका फाइव तो यहाँ से आपको पी के कोऑर्डिनेट मिल गए कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना है जीरो कोमा फाइव अब आपको इसके कोऑर्डिनेट मालूम है जीरो कोमा फाइव अब इस कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट को दोनों को लेकर के आप लोग क्यू निकाल सकते हो मान लो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्सडे वाई डैस तो एक्सडैस की वैल्यू कितनी होगी एक्सडैस विल बी मिड पॉइंट ऑफ एक्सडैस विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए एंड पी तो एक्सडैस की वैल्यू कितनी होगी अभी यहाँ पर एक्सडेस की वैल्यू निकाल लो एक्सडेस की वैल्यू होगी माइनस टू प्लस जीरो सेवन बाई टू यानी ये जो कोऑर्डिनेट आई ये आपका माइनस वन कोमस सेवन बाई टू अभी मैं आर के लिए मान लेता हूँ एक्स डबल डैश वाई डबल डैश इसके भी निकाल लेते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका x डबल डेस की वैल्यू जीरो प्लस टू यहाँ पर ये और ये लेंगे ना तो जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाई टू दैट इजल टू बाई टू इक्वल टू वन एंड वाई डबल डेस की वैल्यू फाइव प्लस एट कितना बनने वाला है फाइव प्लस एट डिवाइडेड बाई टू थर्टीन बाई टू तो ये वैल्यू हुई आपकी किसकी आर की ये वाली हुई आपकी कितना लिखूँ वन कोमा थर्टीन बाई टू और यहां पे किसी वाली थी हमने लिखी थी क्यू की माइनस वन कोमा सेवन बाई टू देर फोर कैसे क्वेश्चन पूछा उसने उसी तरह आंसर दे देंगे देर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विल बी बोल दो हम वहाँ एग्जाम में क्यों ना लिखें, वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे माइनस वन कोमा सेवन बाई टू जीरो कोमा फाइव एंड तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा यहीं पे आया था वन कोमा थर्टीन बाई टू ये वाला वन कोमा थर्टीन बाई टू दस पॉइंट ये था आपका नाइन्थ क्वेश्चन और अभी आप टेंथ क्वेश्चन देखिएगा फाइन द एरिया रोहम्बस इफ इट्स वट इज आर थ्री जीरो फोर फाइव माइनस वन फोर एंड माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन टेकन इन ऑर्डर और देखो यहाँ पर उन्होंने तो हिंट भी दे दिया है वन बाई टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स यानी यहाँ अभी आपको डिस्टेंस मामले का यूज करना है आइए देखते हैं रोमबस के लिए आपको पता है एरिया ऑफ रोमबस होता है आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेज में वन बाई टू डी वन इंटू डी टू यानी लेंथ ऑफ तो ये आपका रोमबस है चारों साइड इक्वल और ये इसके डायगोनल यदि चारों साइड इक्वल है तो ये कंडीशन होती है डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एनी वे पॉइंट ए तो थ्री कोमा जीरो पॉइंट बी फोर कोमा फाइव पॉइंट सी माइनस वन कोमा फोर पॉइंट डी माइनस टू कोमा माइनस वन और हमें सीधा से डायगोनल निकालना है तो डी वन की वैल्यू ए सी का नाम दे देता हूँ डी टू बोले तो बी डी का नाम तो ए सी इज नथिंग बट डी वन की वैल्यू अंडर रूट बोलो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर ये आपका एक्स वन वाई वन मान लो इसको आप मान लो तो माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर और सिमिलरली वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो फोर माइनस जीरो का स्क्वायर जरा वैल्यू देखो कितनी आती है ये होगा फोर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो गया डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस और ये फोर का स्क्वायर सिक्सटीन यानी टू इंटू सिक्सटीन हो गया ये ट्वाइस ऑफ सिक्सटीन हो गया फोर रूट टू यूनिट क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है या मीटर दे दिया है टेकन इन ऑर्डर नहीं मीटर सेंटीमीटर की नहीं है आइए एंड बी की वैल्यू कितनी होगी इसे डी टू नाम दे देता हूँ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या वैल्यू आएगी देखो डी टू की वैल्यू आ रही है हमारी फोर अब इसको एक्स वन वाई वन मान लेता हूँ इसको एक्स टू वाई टू मान ले लो इसके लिए तो फोर माइनस माइनस टू तो फोर प्लस टू हो जाएगा और इधर फाइव माइनस माइनस वन तो ये फाइव प्लस वन हो गया और भाई ये आया आपका सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स और फिर से आया सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स यानी लिख सकते ट्वाइस ऑफ थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स अंडर रूट सिक्स रूट टू यूनिट अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालोगे वन बाई टू इंटू डी वन इंटू डी टू तो वन बाई टू डी वन की वैल्यू कितनी थी फोर रूट टू और डी टू की वैल्यू सिक्स रूट टू तो वन बाई टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू और रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई हो गया टू कितना हो जाता है टू 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 से कैंसिल कर दो और सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर और देखिए ये यूनिट था तो इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट तो ये आपका आंसर था और क्वेश्चन नंबर टेन टेशन तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू कंप्लीट होती है अभी आप इसको रिवाइज कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टेक केयर